लोकसभा चुनाव 2024 में चंद्रबाबू नायडू 16 लोकसभा सीटें जीतकर बन गए हैं किंग मेकर। आइए चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक सफर कई उपलब्धियों से भरा रहा। चंद्रबाबू नायडू 1995 से 2004 और 2014 से 2019 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चंद्रबाबू नायडू 2004 से 2014 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। नायडू का राजनीतिक करियर 1970 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू हुआ। 1978 में नायडू आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 1980 से 82 तक उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम किया। बाद में चंद्रबाबू नायडू टीडीपी में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना उनके ससुर नंदमुरी तारक रामा राव यानी कि एनटी रामा राव ने की थी। नायडू शुरू में एनटीआर के मुखर आलोचक हुआ करते थे। 1984 में एनटीआर को मुख्यमंत्री पद से हटाने के कांग्रेस के प्रयास को विफल करने में मदद करने के बाद नायडू उनके विश्वासपात्र बन गए और टीडीपी के महासचिव बना दिए गए। चंद्रबाबू नायडू ने 1989 से 1995 तक टीडीपी विधायक के रूप में काम किया और इस अवधि के दौरान वो एक हाई प्रोफाइल विपक्षी नेता बन गए। 1995 में एनटी रामा राव के नेतृत्व के विरोध में पार्टी के भीतर तख्ता पलट के बाद नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नायडू ने 1996-1998 में संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व किया और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार को अपना समर्थन दिया। ये नायडू के राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने नायडू को राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती प्रदान की। साल 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से नाता तोड़ लिया था, जिसके पीछे मुख्य कारण था आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। आंध्र में 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद नायडू के नेतृत्व को सवालों के घेरे में रखा जाने लगा। मार्च 2024 में चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए में फिर से वापसी की। टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना ने आंध्र में साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस राजनीतिक समीकरण ने चंद्रबाबू नायडू को फिर से चर्चा में ला दिया। कम सीटें जीतने के बावजूद भी राष्ट्रीय राजनीति में चंद्रबाबू नायडू की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चंद्रबाबू नायडू की ये स्थिति उनकी राजनीतिक समझ और उनकी कुशल रणनीतियों का परिणाम है। चंद्रबाबू नायडू को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जा सकता है जो बदलते समय के साथ खुद को ढालने की क्षमता रखता है, और यही कारण है कि नायडू आज राष्ट्रीय राजनीति में किंग मेकर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं।